झारखंड स्पेशल कई सारी ऐसी रेसिपीज हैं जिसको आप एक बार खा लीजिए तो बार बार खाने को मजबूर हो जाएंगे। उसी में से एक रेसिपी है गुड़ पीठा, इसको अरसा भी बोला जाता है। अनरसा से थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन अनरसा बनाते समय चावल का जो डो तैयार करते हैं उसको 3 दिनों के लिए कम से कम रखना पड़ता है और इसको फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे गुड़ पीठा, बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल ट्रेडिशनल रेसिपी है। इसको आप भी ट्राई कीजिए, आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अरवा चावल। इसके लिए चावल जितना बढ़िया लेंगे ये गुड़ पीठा भी उतना ही बढ़िया बनेगा। तो यहाँ पर मैं ली हूँ 200 ग्राम चावल और इसके लिए चाहिए 100 ग्राम गुड़। तो मेजरमेंट एकदम सही रखिएगा, जितना चावल लेंगे उसका आधा गुड़ लेंगे। और जरूरी नहीं है कि आप साबुत चावल लीजिए, यहाँ पर टूटा हुआ चावल भी ले सकते हैं। तो चावल को पहले 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धुल लेंगे और उसके बाद 3 से 4 घंटे के लिए भिगा देंगे। आप चाहे तो रात भर के लिए भी इसको भिगा सकती हैं। तो मैं भी इसको रात भर के लिए भिगा कर रखी हूँ। तो चावल हमारा देखिए बहुत अच्छे से फूल चुका है और रात भर के लिए इसको मैं पानी में भिगा कर रखी थी। अब क्या करेंगे, इसका सारा पानी निकाल लेंगे, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब कोई साफ कपड़ा लेंगे और इस पर इसको फैला देंगे। तो चावल को हम एकदम पतला फैला देंगे और पतला फैलाने से क्या होगा कि 7 से 8 मिनट में ही चावल सूख जाएगा। इसको हमें बहुत ज्यादा सुखाना भी नहीं है, बस इसमें जो पानी दिख रहा है चावल के ऊपर जो पानी है ये पानी सूख जाए। इसमें थोड़ी थोड़ी नमी रहनी चाहिए, बस पानी नहीं होना चाहिए। जैसे अनरसे का आटा तैयार करते हैं ना, सेम उसी तरह से इसको भी पहले हमें हल्का सुखाना है, फिर पीस कर महीन जाली की चलनी से चाल कर आटा तैयार करना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए चावल का पानी सूख चुका है, बस चावल में नमी है। अब इसको हम इकट्ठा करके मिक्सी जार में डालेंगे। इसको पीसने के लिए छोटा वाला मिक्सी जार लीजिएगा तो ये चावल बढ़िया से महीन हो जाएगा। तो एक साथ सारा चावल नहीं पीसेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पीसेंगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा नहीं बना रही हूँ तो मैं इसको 2 बार में पीसने वाली हूँ। तो इसका एकदम फाइन पाउडर तैयार कीजिएगा, जितना फाइन पाउडर तैयार करेंगे उतना बढ़िया बनेगा। और उसके बाद महीन जाली की चलनी से इसको चालना है। अब ये जो इसका मोटा भाग निकला है इसको मिक्सी जार में डाल देंगे और साथ में जो और चावल बचा है पीसने के लिए उसको भी डालकर एक बार फिर से महीन पीस लेंगे। तो ये इतना चावल बचा है इसको हम हटा देंगे, इसमें यूज नहीं करेंगे। तो इसको बनाने के लिए हमें एकदम महीन आटा चाहिए, ये देखिए एकदम फाइन पाउडर चाहिए। आटा रेडी है। तो चलिए भाई अब हम बना लेते हैं गुड़ पीठा के लिए पाग। इसका जो मेन प्रोसेस है वो है पाग बनाने का। अगर आपका पाग परफेक्ट बन गया तो आपका गुड़ पीठा एकदम परफेक्ट बनेगा, कोई भी कमी उसमें नहीं आएगी। और अगर पाग आपका थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो पूरा गुड़ पीठा बेकार हो जाता है। पाग यानी कि चाशनी, जैसे हम लाई या फिर तिल के लड्डू बनाने के लिए गुड़ का चाशनी बनाते हैं, उसी तरह से गुड़ पीठा के लिए चाशनी बनाया जाता है और उस चाशनी को पाग बोला जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ली हूँ 100 ग्राम गुड़। 200 ग्राम चावल था ना, तो 200 ग्राम चावल के लिए 100 ग्राम गुड़ लेंगे। और गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ली हूँ जिससे बहुत आसानी से यह मेल्ट हो जाएगा। तो इसको हम कढ़ाई में डालेंगे, इसी के साथ में डाल देंगे लगभग 2 टेबल स्पून पानी। पानी बस इतना ही डालना है कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। ये रेसिपी और भी जगहों पर बनाई जाती है, तो अगर आपके यहाँ बनाई जाती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं या फिर किस तरह से ये रेसिपी बनाई जाती है। मैं तो झारखंड में जिस तरह से बनता है उसी तरह से बता रही हूँ, और झारखंड में भी इसको 2 नामों से जाना जाता है। कहीं कहीं पर गुड़ पीठा बोला जाता है और कहीं कहीं पर अरसा। तो बस गुड़ जब अच्छे से मेल्ट हो जाए तो 2 से 3 मिनट बाद हम देखेंगे इसमें खूब झाग निकलने लगा है और बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ गई है। तो कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और इसको हमें चेक करना है। अब उंगली से जब हम इस तरह से इसका बॉल बनाएंगे तो एकदम सॉफ्ट बॉल तैयार होगा। तो बस इसी स्टेज पर हमें फ्लेम ऑफ कर देना है। अब थोड़ा थोड़ा ये चावल का आटा इसमें ऐड करना है, लास्ट में पूरा चावल का आटा एक साथ डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा जिससे ये रेसिपी और भी लोगों तक पहुंच सके। और चैनल पर नए आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है, आपका एक भी रुपया लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब इसी समय हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा देसी घी, लगभग आधा चम्मच के करीब देसी घी इसमें डाल देंगे, अच्छे से इसको भी मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग इसमें भी सफेद तिल डालते हैं लेकिन मैं यहाँ पर नहीं डालूंगी, तिल लगाकर सिर्फ बनाऊंगी। अब इसको मैं उसी थाली में निकाल ले रही हूँ जिसमें आटा रखी थी। अभी ये काफी गर्म है तो 5 से 6 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे। अब ये ठंडा हो चुका है, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। इसमें लगाने के लिए मैं ले रही हूँ सफेद तिल, ऑप्शनल है, कुछ लोग सफेद तिल लगाते हैं कुछ लोग नहीं लगाते हैं, तो आप चाहे तो लगाएं चाहे तो स्किप कर दें। जब भी झारखंड में कोई भी पर्व त्योहार होता है तो उसमें गुड़ पीठा जरूर बनाया जाता है, तो जिस साइज का आपको बनाना है उतना ले लीजिए। और ये जो प्लेट है इसमें थोड़ा सा तिल यहाँ नीचे में ऐसे लगा देंगे, चाहे तो ऊपर से लगाइए चाहे नीचे से, आपकी पसंद है। और इसके ऊपर रख के इस तरह से इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सारा गुड़ पीठा इस तरह से आप बनाकर रख लीजिए फिर एक साथ फ्राई कीजिए, अगर इस तरह से करेंगे तो इसका डो जो है फैलने लगता है तो सारा गुड़ पीठा बिगड़ जाएगा। तो बस आप एक एक इस तरह से बनाते रहिए और एक एक फ्राई करते रहिए। आप चाहे तो इस तरह से उंगली की मदद से ही थोड़ा थोड़ा बड़ा करके और कढ़ाई में डाल दीजिए। इसको हमें मीडियम गर्म ऑयल में फ्राई करना है, तो इसको फ्राई करने में समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी जल्दी ये फ्राई होता है। तो अगर आपके घर में कोई और जन है तो उनकी मदद ले लीजिए, एक लोग फ्राई करते रहिए और एक लोग बनाते रहिए। जैसे मैं यहाँ पर अकेले बना रही हूँ तो जब तक बनाकर डाल रही हूँ तब तक दूसरा वाला फ्राई हो जा रहा है, तो इसलिए समय ज्यादा लग जाता है, लेकिन आपके घर में कोई और जन है तो उनकी मदद ले लीजिए। तो कुछ मैं तिल वाले बना रही हूँ और कुछ प्लेन बना रही हूँ बिना तिल के, तो आपकी पसंद है, आप चाहे जैसे बनाइए। खाने में इतना ज्यादा टेस्टी लगता है ना कि अगर आप एक बार बना लेंगे तो मेरा यकीन मानिए हर बार आपका खाने का मन करेगा और बार बार इसको आप बनाएंगे। बनाने में भी बस आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो एकदम परफेक्ट बनता है, और ऐसी रेसिपी है कि हर किसी को बहुत पसंद आएगी। मुझे तो ये रेसिपी बहुत पसंद है, मुझे क्या मेरे घर में हर किसी को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अक्सर मैं बनाती रहती हूँ। और ये गुड़ से भी बनता है चीनी से भी बनता है, तो अभी मैं गुड़ से बनाकर शेयर की हूँ, आगे चल के चीनी से बनाकर भी शेयर करूंगी। जब हम इसको तेल से निकालेंगे तो सॉफ्ट लगेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा ठंडा होगा ऊपर से बढ़िया खस्ता क्रंची हो जाएगा और अंदर एकदम सॉफ्ट रहता है। तो लीजिए हमारा ये गर्मा गर्म झारखंड स्पेशल गुड़ पीठा बनकर तैयार हो गया है। इसको आप गर्म पर भी खा सकते हैं, ठंडा होने के बाद भी खा सकते हैं। तो एक पीस मैं तोड़कर दिखा रही हूँ, ये देखिए इसकी जाली भी आप देख पा रहे होंगे अंदर कितनी बढ़िया जाली है, और इसकी आवाज भी आप सुने होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये झारखंड स्पेशल गुड़ पीठा की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। इसी तरह से और भी यूनिक नई नई रेसिपीज देखने के लिए फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।